सांझा मोर्चा के आह्वान पर कल जींद में रहेगा रोडवेज का चक्का जाम। कुंडली में एक ड्राइवर जो रोडवेज कर्मचारी है उसके साथ हुई वारदात के चलते यह चक्का जाम। रोडवेज सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर किया जा रहा है। गौरतलब है कि कुंडली में एक बस चालक को थार गाड़ी चालक दो युवकों ने व उसमें दो युवतियां सवार थी उन्होंने इस ड्राइवर को थार गाड़ी के नीचे कुचलकर मार दिया था, जिस पर जिला प्रशासन ने सही कार्रवाई नहीं की, जिससे असंतुष्ट होकर रोडवेज कर्मचारियों ने कल चक्का जाम का फैसला लिया है। सांझा मोर्चा के सदस्य अनूप लाठर ने बताया कि जो कुंडली में ड्राइवर के साथ हादसा हुआ है वह किसी भी ड्राइवर के साथ हो सकता है, जिसके चलते रोडवेज ने 8 सितंबर को चक्का जाम करने का फैसला लिया है, जिसके चलते कल जींद में पूर्णतः रोडवेज का चक्का जाम रहेगा और मांग उठाई जाएगी कि जो ड्राइवर के साथ यह हादसा हुआ है उस पर प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई की जाए। कल 6 तारीख को सोनीपत आगार की एक बस जयपुर जा रही थी सुबह, उस बस में दिल्ली डिपो के चालक और परिचालक उस बस में सफर कर रहे थे, तो कुंडली के पास जो एक थार गाड़ी में दो युवक और दो युवतियां सवार थी उन्होंने बस को आगे पीछे करके बस को रुकवा कर और जो चालक और परिचालक दिल्ली डिपो के थे उनके ऊपर उन्होंने अपनी थार गाड़ी चढ़ा दी, जिस हादसे में चालक की निर्मम हत्या हो गई है और जो परिचालक वो भी गंभीर रूप से घायल है। अब वहाँ के जो जिला प्रशासन द्वारा इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है, अब तक उन्होंने उनकी किसी भी गिरफ्तारी नहीं की है। इसी पर कार्रवाई करवाने के लिए राज्य कमेटी सांझा मोर्चा द्वारा कल 8 तारीख को स्ट्राइक करने का फैसला लिया गया है। उसी फैसले पर जींद डिपो की यूनियनों की सांझा मोर्चा की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि कल जींद डिपो में पूर्ण रूप से हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम रहेगा। कितनी यूनियन का फैसला था? हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा में शामिल सभी 10 यूनियनों का ये फैसला है कि कल जींद डिपो में पूर्ण रूप से चक्का जाम रहेगा और सांझा मोर्चा के आह्वान पर पूरे प्रदेश हरियाणा प्रदेश में भी कल बसें बंद रहेंगी। रोडवेज रहेंगी या प्राइवेट बसें भी हैं जो होंगी? हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा रोडवेज कर्मचारियों का सांझा मोर्चा है और हरियाणा रोडवेज की बसों का संचालन बंद रहेगा। अगर रोड पर रोडवेज बस दौड़ती दिखी तो फिर आपकी तरफ से क्या करेगी? रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा के आह्वान पर हरियाणा प्रदेश के सभी कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होंगे, क्योंकि यह एक निर्मम हत्या की गई है और इस हत्या में सजा दिलाने के लिए, हत्यारों को सजा दिलाने के लिए फैसला लिया गया है। हम पूरे प्रदेश के कर्मचारियों से भी आह्वान करते हैं रोडवेज कर्मचारियों से कि वो इस हड़ताल में बढ़ चढ़ कर भाग लें, क्योंकि आज जो हादसा हमारे चालक जगबीर सिंह के साथ हुआ है, हम हमेशा रोडवेज का चालक परिचालक रोड पर रहता है, कल वो हादसा किसी और के साथ भी हो सकता है यदि इसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई तो। आपका शुभ नाम? अनूप लाठर, वरिष्ठ सदस्य रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा। भाई दोस्तों, जिनने वीडियो नहीं देखी हो वीडियो देख लो, नीचे फोटो होगी उसे क्लिक कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।